हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर हैलोजेंस और हैलोजेन पढ़ेंगे। हैलोजेंस हैलोजेन, इसमें हैलो हैलो का मतलब है हैलोजेन और हैलोजेन का मतलब है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एटसेट्रा। एल्केन मीन्स हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एज हैलो एल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। इसी तरह से एरोमैटिक कंपाउंड के हैलोजन डेरिवेटिव को हैलोएरीन बोला जाता है। तो हैलोजन डेरिवेटिव हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमैटिक कंपाउंड और बेंजीन is known as haloarene or arene halide. तो एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव को हैलो एल्केन, बेंजीन के हैलोजन डेरिवेटिव को हैलो एरीन या एरीन हैलाइड कहा जाता है। अगर एल्केन या एरीन के हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो हैलो एल्केन या हैलो एरीन बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आर एच एल्केन, यहां से एक्स माइनस एच एक्स, ये आर एच, ये है हैलो एल्केन या एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड हैलो एल्केन या एरिल हैलाइड। इसी तरह से बेंजीन के हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा एरिल हैलाइड या हैलो एरिल। एरिल हैलाइड या हैलो एरिल, हैलो एरिल। तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर नोन एज हैलो एल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज नोन एज हैलो एरीन या एरीन हैलाइड। क्लासिफिकेशन, इनको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। हैलो एल्केन या एल्केन हैलाइड, हैलो एल्केन या एल्केन हैलाइड। दूसरा है हैलो एरीन या एरीन हैलाइड।
हेलिफ्लाइड। अब इसमें केवल एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। या बेन क्लोरोबेंजीन फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड। इसका यूज है डीडीटी बनाने में, इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। क्लोरोबेंजीन का यूज है डीडीटी बनाने। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका यूज क्या है, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। तो डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म डीडीटी, इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन। इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। तो डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन और इसका यूज है इंसेक्टिसाइड। अब इसका स्ट्रक्चर है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसके आईयूपीएसी नाम को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। अब अगला है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन में तीन कैटेगरी है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, इसमें केवल एक ही हैलोजन होता है। इट कंटेन ओनली वन हैलोजन एटम। तो केवल एक ही हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। इसका जनरल फार्मूला है CN H2N प्लस वन एक्स। एक्स के स्थान पर लो क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला है CN H2N प्लस वन एक्स। इसका एग्जाम्पल है CH3 CH2Br, CH3 CHI, CH3 etc. तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऐसा कंपाउंड है जिनमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस किया जाता है। इसका जनरल फार्मूला है CN H2N plus 1 X, X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है CH3 X, सबसे छोटा एग्जांपल।
इसके बाद CH3 CH2 Br एंड सो ऑन। दूसरी कैटेगरी है डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम, दो हैलोजन हो सकते हैं जो एक ही टाइप के होंगे या अलग अलग। तो इट कंटेन टू हैलोजन एटम, इट कंटेन टू हैलोजन एटम विच आर either same or different। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हैलोजन एटम चाहे एक ही टाइप के या एक से ज्यादा टाइप के हों तो ऐसे कंपाउंड को डाई हैलोजन डेरिवेटिव या द्वि हैलोजन युग्मन कहा जाता है। इनका जनरल फार्मूला है CnH2nX2। अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव को फर्दर क्लासिफाई किया गया वो हम लोग अभी बात करेंगे। तीसरा है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें इट कंटेन थ्री हाइड्रोजन एटम, इट कंटेन थ्री हाइड्रोजन एटम विच आर आइदर सेम आर डिफरेंट। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तीन हाइड्रोजन को तीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया हो तो उसे कहा जाता है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-1X3। इसका एग्जांपल है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है कॉमन नेम है इसका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये इसका कॉमन नाम है, कॉमन नेम। और IUPAC हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। IUPAC में इसे ट्राई क्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म का यूज है क्लोरोपिक्रीन बनाने में
पिगरिन बनाने में किया जाता है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक क्लोरोपिग्रिन या नाइट्रोपिग्रिन एटसेट्रा। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव अब इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर चार हैलोजन एटम लगे हुए, तो व्हेन फोर हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय फोर हैलोजन एटम्स विच आर एट द सेम आर डिफरेंट कॉल्ड एज टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। तो इट कंटेन फोर हैलोजन एटम विच मे बी आइदर सेम और डिफरेंट, आइदर सेम और डिफरेंट। इसका जनरल फार्मूला है CN एस टू एन माइनस टू एक्स फोर। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला है CN एस टू एन माइनस टू एक्स फोर। इसका कॉमन एग्जाम्पल है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड साथ में से CTC कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड या CTC। यूज ऑफ CCl4 पहला यूज है, इट इज यूज एज सॉल्वेंट इन केमिकल इंडस्ट्री अंडर द नेम ऑफ
डेरिवेटिव को फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इज अगेन क्लासिफाइड एज फॉलो, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी या 1 डिग्री, दूसरा है सेकेंडरी या 2 डिग्री, या 2 डिग्री और तीसरा है टर्शियरी या 3 डिग्री। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। प्राइमरी यानी जब हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे एल्कोहल हैलाइड को प्राइमरी या 1 डिग्री कहा जाता है। वो हैलोजन इज अटैच्ड विद a carbon which attached only with a single carbon atom, attached only with a single carbon atom। तो ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव को जिनमें हैलोजन ऐसे कार्बन से लगा हो जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है प्राइमरी या 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2X या CH3 CH2 CH2X। यहाँ पर हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया प्राइमरी या 1 डिग्री हैलोजन। यहाँ पर भी जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये ही प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव या 1 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव। सेकेंडरी या 2 डिग्री, इसमें हैलोजन ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा होगा जो खुद 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। हैलोजन इज अटैच विद ए कार्बन विच is attached with 2 carbon atom। Halogen is attached with a carbon which is attached with 2 carbon atom। तो जब हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है 2 डिग्री या सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CH3X। यहाँ पर हैलोजन इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, यानी जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो कार्बन खुद 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसे कहा जाएगा सेकेंडरी या 2 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, हैलोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन खुद 2 कार्बन से अटैच है तो इसे सेकेंडरी या 2 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव कहा जाता है। इसी तरह से जब हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो खुद 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो इसे कहा जाता है टर्शियरी या 3 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव। तो हैलोजन इज अटैच्ड विद ए कार्बन विच इज अटैच्ड विद
3 carbon atoms, which is attached with 3 carbon atoms. तो ऐसे derivative को कहा जाता है tertiary या 3 degree halogen derivative. For example, जैसे ये CH3 Br या X. यहाँ पे halogen इस carbon से जुड़ा है और ये कार्बन एक इधर और एक इधर, खुद तीन कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे डेरिवेटिव को कहा जाता है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव या 3 डिग्री डेरिवेटिव. अब प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव, इसमें भी क्लासिफिकेशन है. प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव, प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव, इसमें भी दो कैटेगरी है. sp3 hybridized, और दूसरा है sp2 hybridized. अब sp3 में, यानी कि हैलोजन ऐसे कार्बन एटम से लगा होगा जो खुद चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड के ऊपर, इसमें एक है LP. जैसे ये CH3 CH2 CH2 Br या X, यहाँ पे हैलोजन इस कार्बन से लगा और इस कार्बन पे चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, दो बॉन्ड दोनों हाइड्रोजन के बीच में है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ये है एल्किल हैलाइड. दूसरा है बेंजाइलिक. यहाँ बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजीलिक कार्बन कहा जाता है, ये है बेंजीलिक कार्बन, बेंजीलिक कार्बन. और इस ग्रुप को कहा जाता है बेंजील ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है बेंजील ग्रुप, बेंजील ग्रुप. अब जब यहां पे हैलोजन लग जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन से जब हैलोजन लगा हो तो इसे कहा जाता है बेंजीलिक हैलाइड. और इस कार्बन पे अगर हम लोग देखें, इस कार्बन का एक वैलेंसी इधर, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से सेट है, और एक वैलेंसी इधर हैलोजन से अटैच है, और इसकी रिमेनिंग दो वैलेंसी दोनों हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के साथ हुई है. यानी इस कार्बन पे चार सिंगल बॉन्ड है, यानी चार सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा. इसी तरह से एक और है एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2. इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के बाद वाले कार्बन को एलीलिक कार्बन कहा जाता है, एलीलिक कार्बन. और इस ग्रुप का नाम है एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप. तो जब हैलोजन एटम एलाइलिक कार्बन से लगा हुआ, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के बाद वाले कार्बन पे जब हैलोजन लगा हो तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है. एलाइलिक ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, इस ग्रुप का नाम है एलाइलिक ग्रुप. और
डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के बाद वाले कार्बन को, चाहे वो राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो या दोनों साइड में हो, उसे कहा जाता है एलिलिक कार्बन। तो प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव में दूसरा का डिवीजन है sp2 हाइब्रिड्स। sp2 हाइब्रिड्स इसमें भी दो कैटेगरी है, विनाइल और एरिल, विनाइल और दूसरा एरिल। डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहा जाता है। ये है हमारा विनाइलिक कार्बन और इस ग्रुप का नाम है विनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कहा जाता है विनाइल ग्रुप। और जब हैलोजन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर लगा हो उसे कहा जाता है विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर लगा हो। एरिल, एरिल मीन्स हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो एरोमेटिक में नेचर का होगा, जैसे ये है एरिल। तो प्राइमरी में या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, sp3 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज में 3 कैटेगरी थी, एल्किल हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में दो कैटेगरी है, विनाइलिक और एरिल। विनाइलिक में हैलोजन ऐसे कार्बन से लगा होगा जो खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा। एरिल में हैलोजन ऐसे कार्बन से लगा होता है जो एरोमेटिक नेचर के होते हैं। अब फर्दर क्लासिफिकेशन है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। डाई हैलोजन डेरिवेटिव इसका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। ओके।